हेलो दोस्तों, आज हम आपको तिरू फॉल दिखाने वाले हैं जो कि रांची से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो रास्ता देख रहे हैं ये मांडर चौक का है। तिरू फॉल मांडर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो आप सामने बोर्ड देख रहे हैं बुड़मू और खलारी वाला, इसी रास्ते से आपको यही रास्ता आपको तिरू फॉल ले जाएगा। रास्ता का वीडियो मोबाइल से शूट किया गया है, इसीलिए वीडियो का क्वालिटी थोड़ा खराब है। यहाँ से मांडर का सीमा समाप्त होता है और बुड़मू का स्टार्ट होता है। आप लोग रास्ता देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। बस या फोर व्हीलर कोई भी इजीली जा सकता है तिरू फॉल के लिए। रास्ते में कई आपको 4 या 5 ऐसे छोटी छोटी नदियां मिलेंगी, पुल। आप लोग रास्ता देख सकते हैं कितना अच्छा है जाने के लिए। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा बुड़मू के पास। यहीं पे थाना के पास, बुड़मू थाना के पास आपको 3 रास्ता मिलेगा। आपको खलारी की ओर जाने वाला लेफ्ट साइड जाना है। रास्ते में आपको बोर्ड मिल जाएगा तिरू फॉल जाने वाला, कई बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा जिससे आपको रास्ता खोजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा आपको ये रास्ता तिरू फॉल ले जाएगा। और रास्ते में आपको, आप सामने देख सकते हैं जो बाइक पे जा रहा है, यहाँ से ये खलारी से कोयला लाने वाले हैं ये लोग। कई सारे आपको रास्ते में दिख जाएंगे बाइक से कोयला लाते हुए। तो हम लोग ये आ गए हैं यहाँ पे तिरू फॉल के पास। सीधा आपको ये वाला रास्ता खलारी ले जाएगा। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पहाड़ी मंदिर खलारी, यहाँ से 12 किलोमीटर और मैक्लूस्कीगंज 21 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों जगह भी टूरिस्ट प्लेस है। तो चलिए चलते हैं तिरू फॉल की तरफ। यहाँ से आप बाइक या फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी यहाँ से आप अंदर ले सकते हैं। यही रास्ता है और बगल में मैदान की तरफ से भी रास्ता है।
सामने ये बोर्ड लगा हुआ था जो दिख रहा है आपको, तिरुफॉल जलप्रपात, ग्राम चौकीटाण, पंचायत सारले, प्रखंड बुड़मू, रांची झारखंड। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं और चलते हैं। देख सकते हैं ये यहाँ पे बहुत बड़ा ही जगह है। यहाँ पे उस दिन कुछ लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे और पार्किंग के लिए भी बहुत बड़ा जगह है। तो हम लोग इस तरफ से आए हैं, यहाँ पे हैंड पंप भी है पर पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है। यहीं पे आपको छोटी छोटी दुकान मिल जाएंगी, ये जहाँ पे कुर्सी में ये लोग बैठे वहीं पे आपको दुकान मिल जाएगी। पानी का बोतल, चिप्स, चना, नमकीन, ये सब आपको मिल जाएगा। पे चाचा जी यहाँ पे पैसा शायद मांगते हैं, चलिए तब आपको अब तिरुफॉल की ओर ले चलते हैं। अभी सामने ये देख रहे हैं ये मंदिर बन रहा है अभी, और सामने बोर्ड भी लगा हुआ है तिरु वाटरफॉल का। आपको इधर से भी रास्ता मिल जाएगा, ये आपको फॉल के ऊपर साइड ले जाएगा और दूसरे साइड से इधर से नीचे की ओर ले जाएगा। तो चलिए हम आपको नीचे की ओर पहले ले चलते हैं, फिर ऊपर की ओर भी ले जाएंगे आपको। ये वीडियो फरवरी के महीने में शूट किया गया है, 24 फरवरी को। सीढ़ियां देख सकते हैं किस प्रकार है, चौड़ाई बहुत कम है। ये भी पर्यटक स्थल है पर इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, फेमस ज़्यादा नहीं है ये प्लेस, फिर भी आते हैं लोग। ये देख सकते हैं सीढ़ी किस प्रकार है। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं तिरुफॉल। यहाँ पे बैठने के लिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि चढ़ते वक्त बहुत थकान हो जाता है, इस कारण से बैठने के लिए भी। हम करीब 10-10:30 बजे पहुंच गए थे, इसीलिए अभी भीड़ नहीं है, पर 12-1 बजे तक काफी संख्या में लोग आ जाते हैं देखने के लिए। सब हम लोग पहुंचने वाले हैं। हे 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 हे
नीचे की बात करें तो इस प्रकार है, जगह देख सकते हैं आप लोग, नीचे का जगह। ये है तिरु फॉल, ये भी काफ़ी ऊंचा है पर कैमरा के एंगल से पता नहीं चल रहा है कि ये कितना ऊंचा है। फिर से आप लोग देख सकते हैं ये चारों ओर नीचे का। जगह कैसा है अगर नहाना होगा तो वो नीचे की साइड आप लोग जाके नहा सकते हैं। अभी हम आपको फॉल की तरफ ले चलते हैं। तो दूर से था, अभी हम आपको सामने से दिखाते हैं। देख सकते हैं फॉल की तरफ जाने के लिए बहुत ही पतला रास्ता है। अंकल जी थोड़े से डरे हुए हैं इसीलिए पकड़ पकड़ के आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। अगर पैर फिसल गया तो आप लोग दूसरे साइड गिर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है। लड़कियां भी आती हैं देख सकते हैं घूमने के लिए। तो देखिए रास्ता इस प्रकार है, चलते हैं फॉल के नजदीक। बहुत ही पतला रास्ता, अगर पैर अगर फिसल गया तो आप लोग नीचे गिर सकते हैं। हम आपको ऊपर की तरफ भी ले जाएंगे, ऊपर का ऊपर से भी बहुत ही अच्छा दिखता है। देख सकते हैं सीढ़ी, सीढ़ी से नीचे आए हम लोग। चौबीस फरवरी को ये वीडियो शूट किया गया है, ये बरसात
गर्मी के कारण आपको सुथरा भी होगा। ये इस प्रकार था रास्ता आने के लिए फॉल के पास। देख सकते हैं आप लोग काफी संख्या में देखने के लिए आते भी हैं। चलिए अब आपको हम ऊपर से आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है फॉल। ये ऊपर वाला रास्ता है जाने के लिए ऊपर से। वीडियो को फास्ट किए हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस कारण से वीडियो को फास्ट किए हैं। इधर से दाहिने ओर मुड़ना है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे व्यर्थ ऐसे ही जल में खेलना नहीं है, माने नहाना नहीं है, क्योंकि कहीं भी गड्ढा हो सकता है। फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऊपर नीचे हम हो रहे थे, इसी कारण से ठीक ढंग से फोकस नहीं हो पा रहा था। जाता है कि ये बहुत ही गहरा है यहाँ पे, इसीलिए आप अगर तैरना हो, तैरना आता है तो भी इसमें ना घुसे, क्योंकि बहुत गहरा है कहाँ जाता है। जा रहे थे इसी कारण से फोकस ठीक से नहीं होता। मेरा ऊपर है, ऊपर से नाराज जा रहा है, फिर देख सकते हैं कितने छोटे छोटे दिखते हैं।
ऊपर का नजारा ऊपर से। तो फिर से बता रहे हैं, ये यहाँ पे इसे कहा जाता है, यहाँ ये बहुत ही गहरा है, तो इसमें नहाने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा है। यहाँ पे आप घूमने आ सकते हैं पिकनिक मनाने।